हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो अब तक हमने एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व किया, डिस्टेंस फॉर्मूले को ड्राइव किया। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन की स्टार्ट हम सेक्शन फार्मूला को करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा और सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन अब हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक प्लेन ले लिया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। प्लेन पर कोई भी दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है और इसकी यूजेस क्या होती हैं। तो एक प्लेन पर हमने दो पॉइंट लिए ए और बी। पहला के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरे कोऑर्डिनेट्स x2 y2, और जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर हमने एक और पॉइंट ले लिया सी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, और ये जो सी है ये इस लाइन को ए बी को ए सी और बी सी में दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ए सी और बी सी का रेशियो हमको m1:m2 दिया गया है। क्या मतलब है, अगर हम ए सी और बी सी को आपस में डिवाइड कर दें तो हमारे पास m1/m2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हम किस प्रकार इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के टर्म में कैसे लाएं। तो वही होता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, हमने जो ये पॉइंट ए है इससे वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी, जो एक्स एक्सिस को एम पर कट कर रही है, और बी से भी वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी जो एक्स एक्सिस को एन पर टच कर रही है। फिर हमने क्या किया, जो ये पॉइंट सी है, उसके बाद हमने ए से इसको आपस में मिला दिया। ए जो ये लाइन बी है इसे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ए तक ले गए। उसके बाद जो ये सी पॉइंट है और सी क्यू ए परपेंडिकुलर जो बी एन लाइन पर, हमने इसे कैसे क्रिएट किया, ठीक है, ये एक ज्योमेट्री ऐसे बन रही है। उसके बाद हमको दो देखना है, वो है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं जो मैंने ये अलग रंग से बनाई हुई, ये वाली ए सी पी और बी सी क्यू, यहाँ पर हमें सारा काम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए पी सी, इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी। सो बी क्यू सी, ठीक है। तो वह इन दोनों में क्या खास है अब ये देखते हैं। अब जो ये मान लीजिए हमने ये एंगल थीटा माना है, तो ये एंगल भी थीटा हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन एक्सिस के पैरेलल हैं और ये एक ही लाइन पर एंगल बना रही हैं, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा हुआ, ये थीटा, तो ये भी थीटा हुआ। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। उसके बाद ये एंगल पी पर 90 डिग्री है और क्यू पर भी 90 डिग्री है, तो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर यूज करेंगे सिक्स चैप्टर को। सिक्स चैप्टर में क्या था, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ट्रायंगल हमारी ए पी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी क्यू बी के, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। और अगर सिमिलर है तो हमने इनकी एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है सिक्स चैप्टर में कि जो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड होती है, जैसे यहाँ पर ए पी है तो यहाँ पर सी क्यू है, तो जो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स होती है उनका रेशियो भी आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ बाई सिक्स चैप्टर, वहाँ पर हमने क्या किया था, उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ ए पी बाई सी क्यू, ए पी बाय सी क्यू, ये किस चीज़ के इक्वल हो सकता है, ए पी लिया तो यहाँ से ए सी लेना पड़ेगा, तो यहाँ से ए सी और यहाँ से सी बी, ठीक है। सो ए सी बाई सी बी के इक्वल होगा, और क्या हो सकता है, ये पी सी बाई क्यू बी भी ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये सिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमको दिया गया है, हमको ए सी बाई बी सी दिया गया है, ये देख लीजिए ए सी बाई बी सी हमको m1:m2 दिया गया है। सो ए सी बाई बी सी तो हमारे पास क्या है, m1/m2। अब यहाँ से मैं दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँगा, बस इतना ही इसमें समझना है, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन बच गई है, ठीक है। सो m1/m2 ए सी बाई बी सी हो गया। और अब देखिए ए पी क्या है, अब फिगर में आ जाएँ, ए पी क्या है, ये है, ये लेंथ है ए पी। अगर आप ध्यान से देखें तो जो सी पॉइंट्स का
x कोऑर्डिनेट क्या है x, तो ये अगर मैं y एक्सिस की डिस्टेंस देखूँ पॉइंट P की तो ये x हो गई, और पॉइंट A की देखूँ तो इसका एक x कोऑर्डिनेट x1 है, तो ए पी कितनी आ जाएगी हमारे पास x माइनस x1 आ जाएगी, यहाँ तक की x, यहाँ तक की x1, तो ये x माइनस x1। और इसी प्रकार अगर मैं इस QC को देखता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 x कोऑर्डिनेट, तो इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी x2, और ये C है इसका y एक्स कोऑर्डिनेट x, तो यहाँ से यहाँ तक की x और ये यहाँ तक की x2, तो ये कितनी बच गई x2 माइनस x, ठीक है सी क्यू आ गया। और क्या हो सकता है यहाँ पर सी पी और बी क्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सी पी क्या है, सी की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है y, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट y है, और P की, हाँ ये तो P ही है ठीक है, सो ये कितना हो गया y, और ये कितना हो जाएगा जो ये पॉइंट A है इसकी x से डिस्टेंस कितनी है y1, तो यहाँ पर भी y1 होगा और ये y, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है। और इसी प्रकार हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा y2 माइनस y, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए, अब हमने सबको लिख लिया है, अब मैं एक बार इनको सबको लिख भी देता हूँ, यहाँ पर सीधा ही वैल्यूज पुट करते, तो ए पी हमने क्या निकाला था x माइनस एक्स वन अपॉन सी क्यू, क्या हमने क्या निकाला था एक्स टू माइनस एक्स, आप पीछे से देख लीजिए एक बार। पी सी हमने क्या निकाला था, पी सी हमने निकाला था वाई माइनस वाई वन, और क्यू भी हमने क्या निकाला था वाई टू माइनस वाई। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन रही है, पहला इक्वेशन है एम वन बाई एम टू इक्वल्स टू ये वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई, और दूसरा इक्वेशन है ये एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इजिकल टू एम वन बाई एम टू। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं तो इस इक्वेशन से हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से हम वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस इक्वेशन को करते हैं फर्स्ट को, उसके बाद सेकेंड को सोल्व। सो अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू एम वन बाई एम टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस किसके साथ, इसकी इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा एम टू एक्स माइनस एम टू एक्स वन इक्वल्स टू एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स, इसके साथ इसकी इसके साथ, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स, इनको एक तरफ ले आए और इनको एक तरफ ले जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एम टू एक्स प्लस एम वन एक्स, ये यहाँ से माइनस का था इस साइड आके पॉजिटिव, इक्वल्स टू ये एम वन एक्स टू, यहाँ से नेगेटिव था यहाँ पर आकर पॉजिटिव, तो एम टू एक्स वन, ठीक है। सो यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन कर लिया, एम वन प्लस एम टू इक्वल्स टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, तो वैसा के वैसा अपॉन ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर डिवाइड में, सो एम वन प्लस एम टू, यही होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला जिससे हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं किसी भी पॉइंट का, ठीक है। सो x इक्वल्स टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। सेम तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन को सोल्व कर y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई इक्वल्स टू एम वन अपॉन एम टू, सो अब भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा एम टू वाई माइनस एम टू वाई वन, इसकी इसके साथ हुई, अब इसकी इसके साथ इक्वल्स टू एम वन वाई टू माइनस एम वन वाई, ठीक है। एम टू वाई माइनस एम टू वाई वन इक्वल्स टू एम वन वाई टू माइनस एम वन वाई, ठीक है। अब वाई वाई वालों को एक तरफ ले जाए, यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर वाई, तो ये इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा। सो एम टू वाई प्लस एम वन वाई इक्वल्स टू एम वन वाई टू, तो इस साइड बचा और यहाँ से नेगेटिव, तो यहाँ पर आकर पॉजिटिव एम टू वाई वन। यहाँ से अगेन वैसे ही, यहाँ से वाई कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर एम वन प्लस एम टू इक्वल्स टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन, यहाँ से y इक्वल्स टू आ गया एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है। किसी लाइन पर अगर हमें
उसका रेशियो का पता हो उस पॉइंट का जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, जिस रेशियो में यहाँ पर हमने रेशियो एम टू में डिवाइड कर रहा था, अगर उसका पता हो तो हम उससे उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ये वाई कोऑर्डिनेट आएगा तो वाई इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपन एम वन प्लस एम टू, और एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपन एम वन प्लस एम टू। दिस इज आवर सेक्शन फार्मूला। आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू गाइज।